अगर आप सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं तो आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स 2 तो इंक्लूड होगा ही, और सबसे कठिन विद्यार्थी को मैथमेटिक्स 2 ही लगता है, और इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें बैक भी लगती है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स 3 की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स 3 का एग्जामिनेशन हो चुका है, थोड़ा टफ आया था, मैथमेटिक्स 2 का भी टफ आ सकता है। तो दोस्तों आप अपने मैथमेटिक्स 2 की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आपका अगर पेपर टफ आता है तो आप तैयार रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो बढ़ते हैं आगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपके एग्जामिनेशन के पहले आपको कुछ दिन शेष मिल जाते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, और इसी के साथ आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों RGPB ने पहली बार ऐसा किया है कि 4th, 8th और 6th सेमेस्टर के जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन थे वो थ्योरी एग्जामिनेशन के पहले रखे थे, और सेकंड सेमेस्टर ओनली, चाहे वो BTech का हो, BPharma का हो, BE का हो, उनके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद रखे गए हैं। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहा था यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी कुछ मैसेज आए थे कि हम लोगों के इंटरनल और एक्सटर्नल थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद रखे गए हैं या पहले। तो दोस्तों RGPB ने आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, और इसी के नीचे आपको टाइम टेबल के नीचे आपका जो है इंटरनल एक्सटर्नल का डेट दिख जाता है, मेनली एक्सटर्नल का। तो दोस्तों हम यहाँ पे BTech सेलेक्ट करके आपका टाइम टेबल डाउनलोड करके आप सभी को बताते हैं कि आपके एक्सटर्नल कब से स्टार्ट हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर टाइम टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन 14/7/2022 से सेकेंड सेमेस्टर वालों के स्टार्ट हैं और 23/7/2022 को ख़त्म हैं, और आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जस्ट एक दिन बाद 24/7/2022 से 31/7/2022 तक रखे गए हैं, और 1 या 2 तारीख से आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद हैं, तो आप अपने थ्योरी एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी कर दें, क्योंकि अगर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पहले देना होता तो आपके पास समय पर्याप्त नहीं रहता, परंतु आपके पास अभी पर्याप्त समय है। तो दोस्तों आप अपने थ्योरी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर दें, मेनली M2 की। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।